प्रदेश के बारे में इस बार का थीम है सर निवेश और रोजगार और रोजगार आप त्याग रहे हैं कि तालियों के साथ हमारे अतिथियों का आप भी सनुवेद सर मंत्री जी मान करें एवं स्मृति चिन्ह देकर इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। प्रोजेक्ट डायरेक्टर विकास भवन समिति की तरफ से उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करें। समारोह के संचालन के लिए इस औपचारिक स्वागत के बाद बिलाल अहमद जी जिस विभाग के ये हैं लाभार्थी उनके विभागीय अधिकारियों से भी आग्रह है कि उनके साथ आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश पहले की तरह नहीं अब विकास की गंगा बह रही है और अनवरत बहती जा रही है और यहाँ पर विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो भी स्टाल लगे हुए हैं आज उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और उनके वो हमारे जो अधिकारी हैं एक विशेष कड़ी हैं क्योंकि उनके पास से योजनाएं आ रही हैं सरकार की और उन योजनाओं को धरातल पर लाने का विशेष कार्य आप लोग कर रहे हैं। 1950 में जब से उत्तर प्रदेश का स्थापना नाम परिवर्तन करके पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस था तब से लेके लगातार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाते आ रहे हैं और हर वर्ष हम पीछे लौट के देखने का ये अवसर है और हम कितना विकास के रास्ते में आगे बढ़ के आए हैं और हम कहाँ थे कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ पहुँचना है। लखनऊ सहित हर ज़िले में यह दिवस मनाया जा रहा है। 24 जनवरी 1950 को यह इसका नाम आया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दिवस को यशस्वी मुख्यमंत्री बड़े स्किल मना रहे हैं। हर ज़िले में कहा गया है कि इसको अच्छे से मनाइए और इस साल का थीम रखा गया है इन्वेस्ट और रोज़गार। यानी कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अधिक से अधिक लोग उद्योग लगा सकें प्रयास कर रहे हैं। तो एक इवेंट लिया गया है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, इससे जोड़ करके लोगों में रोज़गार आए स्किल आए कैसे लोगों की आर्थिक विकास होगा इसको लेकर सरकार संकल्पित है और आज का जो दिवस है इसको हम ऐसे मना रहे हैं। इस दिवस में कुछ लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। हाँ जो हमारा क्या है कि सबका सहभागिता हो सहभागिता बढ़ाने के लिए ये चित्रकला के कंपटीशन हो रहे हैं अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है आज शुरुआत हो रहा है 24, 25, 26 है इस वर्ष का इसको मनाया जा रहा है। कितना सहयोग राशि है लगभग उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग कार्यक्रम है लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि सभी को जिस गांव में पैदा हुए हैं जिस जिले में पैदा हुए हैं जिस प्रदेश में पैदा हुए हैं जिस देश में पैदा हुए हैं उसके उत्सव को मनाना चाहिए और आज अगर आपका जन्म यूपी में हुआ है चाहे जहाँ हो देश हो विदेश में हो अपने उस प्रदेश के लिए आप इसको उत्सव मनाइए। अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। मैं संतोष कुमार निगम श्री साई टिम्बर राजनारायण पार्क बेनिया। संतोष जी क्या है किस तरह का ये उत्सव मनाया जा रहा है और आपकी तरफ से क्या छूट है? जैसा कि आप देख रहे हैं ये आज उत्तर प्रदेश दिवस है 24 जनवरी आज उत्तर प्रदेश दिवस है जो पूरे काशी की जनता मना रही है एक साथ यहाँ पे और हमारी श्री साई टिम्बर राजनारायण पार्क में जो टिकट शुल्क लगता था 10 रुपये इसी उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों पे हमने इसको छूट कर रखा है। आज एंट्री फ्री है यहाँ पे 10 रुपये और 24, 25, 26 को कोई भी शुल्क नहीं लगेगा यहाँ पे। क्या संदेश दे रहे हैं सब कार्यक्रम के माध्यम से आज कौन कौन लगे? जैसा कि आप देख ही रहे हैं डीएम साहब हैं मंत्री जी हैं यहाँ पे कुल ये विकास के कार्यों पे यहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है हर चीज़ों को इसको देखते हुए हमारे भी मन में आया कि कंपनी द्वारा यहाँ पे एंट्री विकास कार्यों को देखते हुए छूट किया जाए और काशी की जनता इसको देखे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या कार्य किया है। इतना कार्य कोई और सरकार में नहीं हुआ न कभी होगा। माननीय योगी जी के क्षेत्र में उन्हीं लोग के एरिया में हुआ है होता रहेगा हमेशा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।